अच्छा तो प्रैक्टिस के लिए थोड़ा मैं बताऊं आपको क्या करना है। स्टेट बोर्ड की जो बुक है उसमें बहुत कम क्वेश्चन है और सिस्टमैटिक भी नहीं दी है वो। इसलिए अब डीपीपी भी दे सकता हूं पर उससे अच्छा एक ऑप्शन मुझे दिखा। ये एक वो अच्छा ऑप्शन किया था। आर एस अग्रवाल बुक है आप सबके पास, उसमें बेसिक बहुत अच्छा दिया है, सिस्टमेटिक दिया है, 90 डिग्री घूमो। हाँ बस उसमें बेसिक बहुत अच्छा दिया है, सिस्टमेटिक एक्सरसाइज दिए हैं, तो आपको क्या करना है उसके एक्सरसाइज पूरी तरह सॉल्व करनी है। यहाँ पर एक फोल्डर था वो देख नहीं रहा, अभी जरा आर एस अग्रवाल ओपन करो, टैब है सबके पास, ओपन करो आर एस अग्रवाल टैब में, आर एस अग्रवाल ओपन करो। आर एस अग्रवाल में जो फर्स्ट चैप्टर है 11th में सेट सी है, उसको ओपन करो सेट्स को। एंड पेज नंबर 4 पर आओ, उसमें एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज दिख रही है 1A, उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, ये हमने किया था, कौन सेट है कौन नहीं है पहचानना, तो ये आपको सॉल्व करना है, उसमें यस और नो आंसर देना है, मेहनत तो है नहीं कुछ भी। दूसरा क्या है, सेकंड क्वेश्चन, एक सेट दिया है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और फिर बाद में उसी का सेकंड पार्ट है बी पार्ट, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल अप्लाई करना है। क्वेश्चन फिर थर्ड है रोस्टर फॉर्म में लिखो, फोर्थ है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, ये क्वेश्चन हमें दिए हैं। देन फिर एक्सरसाइज 1B आती है, 1B में क्या बोला है, नल सेट पहचानो, सिंगलटन सेट इक्वल है कि नहीं है, ये सब हमें पहचानना है। तो अभी मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है ना, 9 सेट गिवन है, सभी को देख के कॉपी में बस आंसर लिखते जाना है, नल है नहीं है, यस नो यस नो। एक्सरसाइज फर्स्ट बी, 1B एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में 9 पार्ट है, सारे पार्ट्स को चेक करो और बताओ आंसर कौन नल है और कौन नल नहीं है।
मेरे नाम पर कुछ कर सकते हैं, मैं अपने नाम पर आप तो मेरा नाम फोल्डर बना लो, मैं उस पर डायरी देता हूँ सर। मैं दिखा दूँ सागर सर के पास जाएगा, ठीक है वहां तो मुझे पता है। कितने क्वेश्चन हो गए? फर्स्ट के कितने पार्ट हो गए सॉल्व? ठीक देखो, ये था हमारा फर्स्ट वाला, क्या है नल है नहीं है? नल है ना, क्योंकि हमसे पूछा है नेचुरल ऑड नंबर बताओ जो कि टू से डिविजिबल होंगे, पर डेफिनेशन ही होती है टू से डिविजिबल नहीं होते, वही ऑड होते हैं, तो इसका मतलब ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहला वाला हो गया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेकंड नल है या नहीं? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि एक वैल्यू होती है, कौन सी? टू। इवन भी है और प्राइम भी है। यदि क्वेश्चन ऐसा होता सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन टू, तो फिर ये नल सेट हो जाता। क्लियर अर्जुन, समझ में आ रहा है? इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ उठ के। थर्ड वाला नल है नहीं है? नहीं है, क्यों? क्या आएगा इसका सेट? टू आ जाएगा। क्यों आ गया टू? क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, यदि इक्वल का साइन नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना? इक्वल नहीं होता, सपोज केवल लेस का साइन होता तो ये नल सेट हो जाता। फोर्थ नल है? हाँ नल है, क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर? 4 माइनस 3 1, 2 से डिवाइड करेंगे 1/2, और हमें बोला ये क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर तो नहीं है। ठीक है, फिफ्थ वाला एक्स इज प्राइम और एक्स ग्रेटर देन 90, लेस देन 96 है या नहीं है? क्या 90 और 96 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होते? 91 प्राइम है या नहीं है? नहीं है। किससे डिवाइड होता है? करके देखो, 30 से 91, 13 से, हाँ 13 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और 92 तो हो नहीं सकता, इवन नंबर है। 93 3 से होता है, 94 2 से होगा, 95 5 से होगा, इसका मतलब ये नल सेट है। ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो इन दोनों के बीच में आता हो। फोर्थ सिक्स वाला नल है? बिल्कुल है, क्योंकि ऐसी कोई नेचुरल वैल्यू नहीं है जो कि इसको सेटिस्फाई कर दे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा यहाँ।
सेवंथ है? नहीं, नहीं है, क्योंकि थ्री उधर जाएगा तो ये बन जाएगा x is less than equal to zero, और यहाँ क्या बोला, x belongs to whole number, तो at least एक वैल्यू है हमारे पास, कौन सी? curly bracket zero, ये हम हमारे आंसर में लिखेंगे। यहाँ इक्वल का साइन नहीं होता तो फिर ये नल सेट हो जाता, बस इसको नल नहीं बोलेंगे, अंदर जीरो तो है, जीरो मतलब क्या होता है, नल, तो नल सेट है या नहीं? नहीं है, जीरो को नंबर की तरह काउंट नहीं करना, इसकी एलिमेंट तो है ना अंदर, क्या ये डब्बा खाली है? नहीं, डब्बे के अंदर एक कुछ बॉल रखी हुई है, तो इसलिए इसको खाली नहीं बोलेंगे, तो नल सेट या एम्प्टी सेट नहीं है। एट्थ वाला नहीं है, क्यों? इसका मतलब क्या, क्यू का मतलब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में डेसिमल नंबर्स आते हैं, आते हैं, तो यहाँ पर हम 1.5, 1.2, 1.3, 1.9 ये सारी वैल्यू इंक्लूड करेंगे, तो ये सेट खाली नहीं है, इसलिए नल भी नहीं है, ये भी नहीं था। नाइन्थ, जीरो ही तो है अंदर नल, नहीं पर कुछ तो है ना, इसलिए ये भी नल सेट नहीं है, तो नल सेट का क्लियर सबको समझ में आया? अर्जुन, नल सेट क्या होता है? अभी तो बोले कि समझ में आया, मतलब नल मतलब क्या, पानी का नल, फिर नल मतलब एम्प्टी सेट, बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती, तो जैसे कि हमने यहां पर देखा x इज प्राइम और x की वैल्यू 90 से 96 के बीच में है, तो इसके बीच में कौन कौन सी वैल्यू होंगी, 91, 92, 93, 94, 95, उनमें से क्या कोई प्राइम है? नहीं है, तो ये हमें कोई भी आंसर नहीं देगा, तो जो आंसर नहीं देता वो नल सेट हो जाता है, एम्प्टी सेट, बस इतना हमें याद रखना है। ये वाली चीज हमने कल डिस्कस नहीं की थी, ये हेडिंग लिख लो सिंगलटन सेट, टाइप्स ऑफ सेट में एक हेडिंग लिखो सिंगलटन सेट, ये जो सिंगलटन है, ये सिंगलटन में कौन सा वर्ड ज्यादा हमें फोकस में दिख रहा है, सिंगल, कौन सा वर्ड दिख रहा है, सिंगल, सिंगल मतलब क्या होता है, अकेला, अकेला दुकेला, अकेला, और अकेला मतलब वन है ना, अकेला मतलब वन, क्या दो अकेला हो सकता है? नहीं, एक अकेला होता है, अकेला मतलब वन, तो ऐसा सेट जो जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, मतलब वो एलिमेंट अकेला हो, उसको हम सिंगलटन बोल देते हैं। जैसे इसके, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, फर्स्ट वाला क्या आएगी रोस्टर फॉर्म में वैल्यू, क्या आएगी, यहाँ जेड बोला इंटीजर, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, तो प्लस टू और माइनस टू, क्या ये अकेला है, तो क्या सिंगलटन होगा? नहीं होगा, ये तो अकेला है। यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू, ओनली माइनस फाइव, तो क्या ये अकेला है? हाँ, तो सिंगलटन होगा, हाँ होगा, आसान है, बस अकेला तो अकेला देखना है, जो अकेला वो हमारा आंसर, ये सिंगलटन है या नहीं, क्यों? क्योंकि टू वैल्यू जाएंगी, मॉडुलस लगा है, प्लस वन डालेंगे तब भी वन मिलता है, माइनस वन पर भी वन मिलता है, दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं। यहां जेड की जगह यदि एन लिख देते तो सिंगलटन हो जाता, ये एन लिखा हुआ है, तो क्या वैल्यू आएगी, ओनली प्लस फोर, तो ये सिंगलटन हो गया। ये चारों ऑप्शन, ये एग्जांपल लिख लो, नोट कर लो ये चारों एग्जांपल, फर्स्ट और थर्ड नहीं है, अच्छा ये फिफ्थ वाला ही बचा, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, सिंगलटन है क्या?
हाँ, क्योंकि इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं? ओनली एक होता है, अकेला बेचारा। लिख दो। हो गया नोट? अभी थर्ड हमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। कौन इक्वल सेट्स बनाता है? तो इक्वल सेट कौन बनाता है? कल डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, सीखा था। हाँ जरा देखो पेज पलट के, क्या था हमने इक्वल सेट में क्या पढ़ा था? हाँ, एलिमेंट्स आइडेंटिकल होने चाहिए। जरा बताओ फर्स्ट वाले के लिए क्या ये इक्वल सेट्स बना रहे हैं? और भी हाँ, क्योंकि इसको रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? ए एल ओ वाई। और यहां पर भी, यहां देखेंगे तो सबसे पहले एल आ गया, ओ आ गया, वाई देन ए। एल तो फिर रिपीटेशन है, नहीं लिखेंगे। दोनों में सेम एलिमेंट्स यूज हुए, टोटल फोर एलिमेंट्स, और फोर के फोर आइडेंटिकल है ना, जुड़वा। तो इसका मतलब दिस इज द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। क्लियर? सेकंड वाला बताओ। ए है ना, क्योंकि यहाँ आएगा सी, यहाँ हाँ पर भी है ए, यहाँ भी है टी, यहाँ भी है आर है, फिर तो रिपीटेशन है। तो ये भी हमारा इक्वल सेट्स हो गया। थर्ड वाला नहीं माइक है। क्यों? इसका सेट क्या आएगा? ई वाला। यहाँ बोला है एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं इंटीजर्स, और ऐसी वैल्यू जो इसको फोर को, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर को सेटिस्फाई करेगी, मतलब ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिसका स्क्वायर
या तो 4 के बराबर हो या फिर कम हो। मतलब क्या क्या हो सकता है, एक तो 2 होगा बराबर में, और 1 0 -1 -2 ये वैल्यू जा जाएंगी इस सेट की। लेकिन ये वाला सेट क्या देगा हमें, यहाँ इक्वल लगा है तो देगा -2 और +2, ये वैल्यूज देगा हमें केवल। तो इसलिए ये हमारा इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं दिख रहे, भाई भाई नहीं दिख रहे जुड़वा। फोर्थ वाला है, हाँ बिल्कुल सही है हमारा। फिफ्थ, यहां हमें मिल रहा है 2,3, वहां से क्या मिलेगा, सॉल्व करो उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्या -2,-3 मिलेगा, इसलिए इक्वल सेट नहीं है। क्लियर है ना कैसे करना है इक्वल सेट पहचानना है। अब यहां पर हमें बोला है इक्विवेलेंट सेट्स, ये हमने कल नहीं लिखा था, है ना, ये हेडिंग डाल दो इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट देखो, इक्विवेलेंट इक्वल जैसा साउंड कर रहा है ना, इक्वल जैसे लग रहा है, पर इक्वल मतलब पूरी तरह इक्वल होता है, इक्विवेलेंट ये पूरी तरह इक्वल नहीं होता। मतलब क्या है, इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं यदि टू सेट्स है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। जैसे कि पहला वाला, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ, यहाँ कितने एलिमेंट हैं, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। एलिमेंट अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, एक में 1 2 3 दूसरे में ABC आ जाए तो अभी उसको इक्विवेलेंट बोल देंगे, बट नंबर इक्वल होना चाहिए। नंबर मतलब यहाँ 3 है यहाँ भी 3, यहाँ 4 होते तो यहाँ भी 4, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10। यदि टू सेट्स में नंबर इक्वल है तो उसको हम क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। तो उसमें डेफिनेशन में लिख दो, इफ टू सेट्स आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डेफिनेशन में इफ टू सेट्स आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, If two sets are having equal number of elements, then both sets are called equivalent sets. ओके, एग्जांपल में पहला वाला एक तो आ जाएगा, सेकंड क्या ये इक्विवेलेंट है, इसमें बताओ कितने एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में, ओनली 2 एलिमेंट्स, कौन कौन से, 1 और 2, तो लिख देते हैं यहाँ पर कौन कौन आएगा, 1,2, और ये डी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0,1,2, यहाँ 3 एलिमेंट्स और यहाँ 2 एलिमेंट्स, तो क्या इक्विवेलेंट है, नहीं है इक्विवेलेंट नहीं है। थर्ड वाला क्या इक्विवेलेंट है, हाँ क्योंकि दोनों में 5-5 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये हम इक्विवेलेंट बोलेंगे। इनको एग्जांपल में नोट करो, इसके तीनों को, पहला वाला और थर्ड वाला, फर्स्ट एंड थर्ड इक्विवेलेंट है, सेकंड इक्विवेलेंट नहीं है।
हो गए नोट? नहीं हुए। हाँ तो अभी हमें ये बताना, फिफ्थ वाला स्टेट वेदर द गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फर्स्ट वाला बताओ फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट, क्योंकि बोला सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। प्लेन मतलब एरोप्लेन, कौन सा वाला प्लेन? सिंपल बोल सकते हैं दीवार है ना, प्लेन जो वॉल होती है, पर ऐसी वॉल जिसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट, मतलब आसमान तक जा रही हो और इधर से उधर तक, मतलब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वो भी छोटी पड़ जाए उसके सामने। तो उस वॉल पर हम कितने ट्राइंगल बना सकते हैं, छोटे बड़े कैसे भी? इनफाइनाइट बना सकते हैं, तो इसलिए आ जाएगा इनफाइनाइट। सेकंड, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कितने पॉइंट होते हैं? सर्कल बना दिया मैंने, एक छोटा सा सर्कल बना दिया, कितने पॉइंट्स होंगे इस रेड लाइन में? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट मतलब ऐसी चीज जो हम काउंट नहीं कर सकते, तो इनफाइनाइट हो गया। थर्ड, सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इनफाइनाइट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाई एक्सिस होता है, इसके पैरेलल यदि मुझे लाइन ड्रॉ करनी है कितना भी ले जा सकते हैं हम, है ना? कोई लिमिट है क्या? नहीं, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे? इनफाइनाइट। फोर्थ, सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन अ ट्री। इनफाइनाइट या फाइनाइट, सोचो जरा, पक्का लॉक कर दें? कितने पेड़ की बात हो रही है? एक पेड़ पे इनफाइनाइट होती है क्या? इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर हुआ, कि मतलब एक पेड़ जो कि पूरे दुनिया को घेर ले उसको इनफाइनाइट बोलेंगे, या एटलीस्ट पूरे पुणे को घेर ले या महाराष्ट्र को घेर ले उस पर इनफाइनाइट बोल सकते हैं। एक पेड़ की पत्तियों को हम इनफाइनाइट नहीं बोल सकते। कितनी होंगी? 10,000 होंगी, है ना? 10 से कम होंगी या ज्यादा लग रही है? 10 से कम ही लग रही है ना, 10,000। 50,000 मान लिया, 50,000 से तो कम होंगी ना। क्या 50,000 कोई ज्यादा नंबर है, बड़ा नहीं है? काउंट की जा सकती है, तो इसलिए इसको हम फाइनाइट बोलेंगे। पर यदि ये ऐसा क्वेश्चन होता, सेट ऑफ लीव्स ऑफ ऑल द ट्रीज, तो इनफाइनाइट बोलते हैं। पर एक पेड़ की पत्तियों को हम इनफाइनाइट नहीं बोल सकते। अब जब भी घर जाओ तो पत्तियां गिनना एक बार, गिन पाते हो कि नहीं, है ना? और गिन लोगे। और आसान गिनने का तरीका क्या है मैथमेटिक्स में? क्या करते हैं, एक ब्रांच की पत्तियां गिनो, टोटल ब्रांच गिनो, मल्टीप्लाई कर दो, आ गई पत्तियों के नंबर। ऐसे तो लेते हैं एवरेज। एक जैसे सपोज उसमें 20 ब्रांचे हैं, शाखाएं निकल रही हैं 20, और एक शाखा पर उसमें सपोज 100 पत्तियां हो गई, तो 100 × 20 कितना हो गया? 2000 आ गया नंबर। हाँ, ये वाला होता फिफ्थ वाला, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 500।
इनफाइनाइट, कोई लिमिट ही नहीं है 500 से ऊपर। यदि ये क्वेश्चन होता सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 500 तो फिर ये फाइनाइट हो जाता, क्योंकि 1 से लेकर 499 तक आ जाते। अच्छा, यदि ये क्वेश्चन ऐसा होता, लेस देन 5 या इनफाइनाइट, ये नंबर कितना है? फाइव खरब। तो 5 खरब से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट। क्यों? गिन सकते हैं पर नंबर तो बहुत बड़ा है, फिर भी फाइनाइट क्यों? क्योंकि गिन सकते हैं, है ना। सेम लॉजिक किसमें लगाया था हमने? पेड़ में, कि पेड़ में इतनी पत्तियां तो कभी होंगी नहीं। जब इसको फाइनाइट बोल रहे हैं तो पेड़ की पत्तियों को क्यों हम इनफाइनाइट बोलेंगे? हाँ, ये वाला 6 वाला, सोच समझ के। आर मतलब रियल नंबर्स, नॉट रेशनल। रियल क्यों होता है रेशनल का? रियल नंबर 0 से बड़े और 1 से छोटे, कितने रियल नंबर पॉसिबल हैं? फाइनाइट और इनफाइनाइट? फाइनाइट। काउंट करके बताओ कितने होंगे। ये आएगा इनफाइनाइट। अब ऐसा क्यों हो गया? 0 से 1 इतना छोटा सा तो होता है, चुटकू सा नंबर लाइन पर, क्योंकि हम बीच में, जैसे 0.1 लिख दिया, 0.2। अच्छा बताओ, 0.1 और 0.2 इनके बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे? इसमें भी इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि रियल नंबर ही कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसा भी हम लिख सकते हैं 0.1111112121, ऐसे कितने भी बना सकते हैं ना, कभी लिमिट नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर और छोटा करते जाओ, छोटे जाओ, छोटा करते जाओ, तो इसलिए ये इनफाइनाइट आएगा। जब लिमिट पढ़ेंगे तो वहां पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इनफाइनाइट वर्सेस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में भी कैटेगरी कैटेगराइज कर सकते हैं हम, छोटा इनफाइनाइट, बड़ा इनफाइनाइट, मोटा इनफाइनाइट, पतला इनफाइनाइट, उस तरह कैटेगराइज। ये वाला बताओ, 7th, फाइनाइट और इनफाइनाइट? ऐसे इंटीजर जो 1 से छोटे हों, इनफाइनाइट। नेगेटिव वाले आ जाएंगे सारे, हाँ इनफाइनाइट। 8th वाला फाइनाइट, क्योंकि तो -14 से लेकर +14 तक ही है ना, टोटल 29 हो गए, फाइनाइट। 9th, x इज प्राइम और नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इनफाइनाइट। प्राइम नंबर कभी खत्म नहीं होते, बहुत सारे आते हैं, बट डिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे 1 से लेकर 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? 2, 3, 5, 7। 11 से 20 तक कितने हैं? 11, 13, 17, 19, 4। 21 से 30 तक कितने हैं? 23, 29, 2 हो गए। 31 से 40 तक कितने हैं? 31, 37, 2। तो देखो, आगे बढ़ते जाओगे तो विदिन 2 प्राइम नंबर्स डिस्टेंस बढ़ता जाता है, है ना। आगे जब 70, 80, 100 से 200 के बीच में देखोगे तो 1 से 100 में सबसे ज्यादा प्राइम नंबर है, 101 से 200 तक कम प्राइम नंबर्स हैं, उसके आगे जाओगे और कम हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं प्राइम नंबर खत्म हो जाते हैं कभी। 10 डिजिट का प्राइम नंबर चाहिए तो वो भी मिल जाता है, गूगल पे ढूंढ सकते हो ना। तो इसलिए प्राइम नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लाख, करोड़, अरब, खरब, कुछ भी हो सकता है आगे, कितना भी, इसलिए इनफाइनाइट। ये नेचुरल नंबर और ऑड,
ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे, ये वाला 11th, ऐसे सर्कल कितने हो सकते हैं जो कि ओरिजिन से पास हो? इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी सर्कल पास करा दो. तो ये हमारी प्रैक्टिस हो गई फाइनाइट और इनफाइनाइट की. ये तो सिंपल चीज है, ए बिलोंग्स टू ए आ जाएगा, नोटेशन के फॉर्म में लिखना है. स्मॉल ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको नोटेशन फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं. ये हमने प्रैक्टिस की थी कल. बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, बी बिलोंग्स टू को काट डालो और फिर ए, ये हो गया, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना. तो ये तो आसान है. अब ए इज एन एम्प्टी सेट, बी इज नॉट एम्प्टी सेट, ए एम्प्टी सेट तो ए इज इक्वल टू 5, और यहां बी इज नॉट इक्वल टू 5, सिंपल. ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए. इसके बाद सबसेट्स आते हैं जो हम हमें सीखने. ये हेडिंग डालो सबसेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स में एक नया टॉपिक आ जाएगा सबसेट्स. सबसेट लिखा, सबसेट की ये डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं इसको समझाता हूं. इसको अभी नोट कर लो केवल. इसका मतलब क्या होता है ये मैं अभी बताऊंगा. लिख लिया. अब देखो सबसेट का मतलब क्या होता है. दो सेट हैं, दो सेट हैं, उसमें दोनों को में से कोई एक सबसेट होगा दूसरे वाले का. तो दो सेट हैं ए और बी, तो हमें देखना है दोनों भाई होंगे, पर एक छोटा भाई होगा और एक बड़ा भाई होगा. दो कैसे भाई होंगे, कैसे भाई होंगे, दो छोटा और बड़ा. तो जो छोटा वाला होता है वो छोटे वाले को सबसेट बोला जाता है. देखो जो सब वर्ड होता है, सब
जैसे सुना होगा इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, सुना है? कौन बड़ा होता है? इंस्पेक्टर, लेकिन स्पेलिंग किसकी बड़ी होती है? सब इंस्पेक्टर। और कहां सब वर्ड सुना है? सब मरीन, मरीन और सब मरीन। और सब कहां सुना है? सब ट्रैक्ट। हाँ, सब डायरेक्टर, डायरेक्टर सब डायरेक्टर, मतलब सब जहां पर आ जाता है, इसका मतलब वो पोस्ट छोटी है। तो यहां पर भी दो भाई, एक होता है सेट और दूसरा होता है सबसेट। कौन सा वाला सबसेट होगा? छोटा वाला, बड़े वाला? छोटा वाला सबसेट होगा। पर दोनों भाई हैं, तो जो छोटा भाई होता है वो बहुत आज्ञाकारी होता है। आज्ञाकारी मतलब उसमें वही चीजें रखता है, वही क्वालिटी रखता है जो बड़े वाले की है। एक भी चीज डिफरेंट नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में देखो, एक सेट है ए, इसके अंदर कौन कौन है? 2, 3, 5। दूसरा है बी, इसके अंदर कौन कौन? 2, 3, 5, 7, 9। कौन छोटा भाई? ए या बी? ए। तो कौन सबसेट बन सकता है? ए। पर देखो, क्या बी के बिल्कुल समान है या कुछ अलग रखता है? ए समान ही तो है, 2, 3, 5, 2, 3, 5 आ रहा है पूरी तरह से। इसने कुछ भी छुपाया नहीं अपने बड़े भाई से। इसका मतलब इसको बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। समझ में आया? तो छोटा भाई को क्या बोलते हैं? सबसेट। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। पर देखो, इक्वल का साइन कब आएगा? जब दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, जुड़वा हो जाएंगे। पर हम नॉर्मली क्या लिखते हैं? ए छोटा है ना, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। यू को लिटा दो, लेटा हुआ यू इस सिंबल होता है किसका? सबसेट का। तो समझ में आया सबसेट क्या होता है? अब इसी को बोल देते हैं प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट कुछ होता नहीं है। नॉर्मल सबसेट मतलब इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, मतलब जुड़वा भाई भी हो सकता है, छोटा भाई भी हो सकता है। पर प्रॉपर हम कब बोलेंगे नाम के अकॉर्डिंग? जब छोटा होगा, बराबर होने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ये डेफिनेशन लिख ली, इसको एग्जाम्पल को नोट कर लो। ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर ए इज द सबसेट ऑफ बी, और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रॉपर नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस दिमाग में रखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है। पर जब वो चीज इक्वल नहीं होती तो उसको प्रॉपर बोल देते हैं। हो गया नोट? हो गया? अब देखो ये एग्जाम्पल नंबर टू, बताओ क्या ए और बी में सबसेट होने का चांसेस हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ए में एक ऐसा नंबर है जो कि बी में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ए बी से बड़े वाई से छुपके कुछ काम कर रहा है, तो इसको सबसेट नहीं बोलेंगे।
अच्छा चलो एक नोट डालो, नोट डाल के पॉइंट लिखो। नोट में नंबर वन पॉइंट, एम्प्टी सेट और नल सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। लिख लिया। इसका मतलब क्या होता है? खाली सेट जो होता है, एम्प्टी सेट। जैसे एक सेट है, उसमें हमने लिख दिया ए, मैंने ले लिया 1,2, और दूसरा सेट मैंने ले लिया एम्प्टी सेट। क्या ये इसके छोटे वाई का काम करेगा? हाँ, कम एलिमेंट है। क्या इसमें इसकी सारी क्वालिटीज हैं? इसकी तो कोई क्वालिटी नहीं, अंदर कोई है ही नहीं। मतलब नया नया पैदा हुआ है, नया नया पैदा हुआ ना, अभी सीखेगा। इसका मतलब ये सबसेट होने के चांस हैं पूरे पूरे, और बी सबसेट होगा ए का। तो हम बोलते हैं खाली जो सेट होता है एम्प्टी सेट, वो हर कोई भी सेट हो उसका सबसेट जरूर होगा ही होगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं ये इसकी जैसी क्वालिटी ले सकता है। तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो याद रखना, जब भी इस तरह लिखोगे हमेशा छोटा वाला लेफ्ट में आएगा, राइट में बड़ा वाला आएगा, और हमेशा ये यू ऐसा बनेगा। कभी ऐसा मत लिखना कि बी सबसेट है तो बी की तरफ ऐसा मुंह आना चाहिए, तो ऐसा बना दिया हमने, ये रॉन्ग होता है मैथमेटिक्स में ये रिप्रेजेंटेशन। जैसे लेस और ग्रेटर में तो हम ऐसा लिख सकते हैं पलट के, लेकिन इसमें नहीं लिखते। एलिमेंट्स इसमें बी में एज्यूम नहीं करते, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो हम ये बोलते हैं कि मतलब देखो, सबसेट का मेन पर्पस क्या होता है कि एक तो इसे छोटा होना चाहिए, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि इसमें ना हो। क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है? इसमें तो पैसे ही कुछ नहीं है, तो इसलिए इसको इसका सबसेट बोलते हैं। अभी हम कोई एक सेट लेंगे, उसके जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं वो बनाएंगे, तो उसमें और समझ में आएगा कैसे कैसे हम सबसेट बनाते हैं, है ना। अभी तो नोट कर लो कि जो एम्प्टी सेट होता है, वो हर कोई भी सेट हो दुनिया में, उसका सबसेट जरूर होता है। हो गया नोट नंबर टू। नोट नंबर टू, उसमें लिखो एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि कोई भी सेट है वो अपने आप का खुद का तो सबसेट होगा ही होगा। जैसे ए हमने ले लिया 1,2, और एक और बी ले लिया 1,2, तो हम अभी भी बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी इक्वल के साथ। मतलब कोई सेट है वो अपना खुद का भी सबसेट होता ही होता है, तभी तो हम इक्वल का साइन भी लगाते हैं ना। हाँ, इस केस में हम दोनों चीजें बोल सकते हैं, बी द सबसेट ऑफ ए, ये भी बोला जा सकता है। ओके, थर्ड पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ दिया है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू टू रेज टू पावर एन, इज इक्वल टू टू रेज टू पावर एन, वेयर जो एन यहां पर जो एन है, वेयर एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें, सेट ए लिया हमने, इसमें एलिमेंट्स ले लिए 2, 5, 7, ये एलिमेंट्स हमने ले लिए, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे हमसे पूछा है, बताओ टोटल कितने सबसेट्स हम इसमें बना सकते हैं, कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो इसमें बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू टू रेस टू पावर, यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स एन इज इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि एन क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, तो ये आ जाएगा 2^n, मतलब 2^3 मीन्स 8, सो टोटल सबसेट्स हो जाएंगे हमारे 8, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले की तरह लिख लो। इसको नोट कर लो, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। यदि मैंने ऐसा कोई सेट लिया बताओ इसके कितने टोटल सबसेट्स पॉसिबल हैं, कितने 32, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, तो इसलिए हम बोलेंगे टोटल सबसेट 2^5 मीन्स 32, ये आंसर आ जाएगा। क्लास खत्म होने वाली है, मैं चले आना, बस 20 मिनट्स ना, कंट्रोल कर लोगे ना, ठीक है, यूज कर चुके हो क्या, यूज किया है फिर बोलो उसको, यूज करने से पहले मत बोलना। हो गया, क्वेश्चन लिखो, राइट ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग, देखो राइट ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ, all the possible subsets of set A
इज इक्वल टू, चलो पहला क्वेश्चन हम छोटा लेते हैं, 1 और 2 ले लो सिंपल। तो हमें इसके सबसेट्स बताने कौन कौन से पॉसिबल हैं। सबसे पहले काउंटिंग बताओ कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं, 4, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब कौन कौन से हैं ये कैसे लिखते हैं हम, तो देखो सबसेट्स सबसेट्स का एक सेट बना देते हैं, या सबसेट्स यहाँ लिख देते हैं। एक तो क्या आ जाएगा, ओनली 1, ये भी सबसेट होगा, एक ओनली 2, और एक हमने पढ़ा है एम्प्टी सेट होता ही है सबका, और एक वो सेट खुद अपना सबसेट होता है। तो ये हमारे टोटल 4 सबसेट्स आ जाएंगे पॉसिबल। आसान है, एक एक करके उठा लिया, बना दिया। इसके बना के बताओ टोटल सबसेट्स, टोटल कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। बनाओ 8 कौन कौन से हो सकते हैं। लिख लिए कौन कौन से, उसके आगे लिखो कौन कौन से बनेंगे। हो गए, लिखाओ कौन कौन से, ए बी सी। एम्प्टी तो एक आ गया ना, अच्छा इसका फिर से एम्प्टी नहीं, वैसे भी हम रिपीटेशन नहीं करते ना, एक एम्प्टी मतलब वो सब इसी में काउंट है। हाँ बिल्कुल सही, ए और बी, ए और सी और बी और सी, सही है। हो गया, मैच करो। इसके सबसेट्स आएंगे एक तो खाली वाला, फिर ए के साथ अकेला, ये भी अकेला, ये भी अकेला, है ना, एम्प्टी सिंगलटन। अब ए कॉमा बी दुकेला, ए कॉमा सी, और एक लास्ट में पूरा ए कॉमा बी कॉमा सी। तो इस तरह से क्या आ गए हमारे सारे सबसेट्स आ गए। तो लिखना आ गया सबसेट्स। अब यदि हमारा जो पिछला क्वेश्चन था इसके सबसेट्स लिखने को बोला जाए तो लिख लोगे, पर कितने सबसेट्स बनेंगे, 32, बहुत मेहनत लगेगी। हाँ तो इतना कोई नहीं लिख पाएगा, 3 तक लिख पाते हैं ना, 3 तक ही लिखने को आएगा एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं पूछते। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सेट्स में, पावर सेट, पावर POWER, पावर ताकतवर सेट, पावर सेट। डेफिनेशन लिखो, the set of all the subsets of any set, the set of all the subsets of any set, the set of all the subsets of any set is called power set.
पावर मतलब क्या होता है? ताकत। ताकत कब आती है? यूनिटी से। एकता में बोलते हैं ना, एकता में ताकत है, एकता में शक्ति है ना, तो यूनिटी करवा देते हैं। जैसे इसके कितने पावर सबसेट थे? टोटल 8 सबसेट थे। अब मैंने क्या किया, एक नया सेट बनाया। अब बी का वो पावर सेट है, इसलिए उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ब्रैकेट में बी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी बी, पावर सेट ऑफ बी। और इसके जितने सबसेट हैं, इस पूरे को एक सेट के अंदर डाल दिया, तो ये हमारा बन गया पावर सेट। इसी तरह से ये वाला ए, इसका मुझे पावर सेट बनाना है, तो पी ए पावर सेट ऑफ ए, जितने भी सबसेट हैं इनको लिखो और कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दो, तो ये सारे सबसेट्स का एक नया सेट बन गया, और उसको हमने बोला पावर सेट। सबको यूनाइट कर दिया, यूनिटी। तो डेफिनेशन के बाद ये दोबारा से एग्जांपल लिखो, बस उसके पहले ब्रैकेट और लगाना स्टार्टिंग में और लास्ट में। हो गया रोड। अब देखो, एक ये सेट होता है यूनिवर्सल सेट, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको बस समझ लो क्या होता है, क्योंकि ना इसकी डेफिनेशन लिखना आसान नहीं है, समझना आसान है और डेफिनेशन कोई पूछता भी नहीं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सपोज हमारे हमें दो या दो से ज्यादा सेट गिवन है, मतलब कभी बहुत सारे सेट दिए गए हैं, तो एक ऐसा सेट जो कि बड़ा होगा और बाकी के जो दिए गए सेट हैं सारे सेट उसके सबसेट होंगे। मतलब फैमिली में एक मुखिया और बाकी के बाई प्रोडक्ट फैमिली मेंबर्स, तो इस सेट को, इन सब का क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल सेट। समझ में आया? फैमिली का मुखिया, ये उस मेंबर फैमिली के, उनके बाई प्रोडक्ट, तो क्या होगा? ये जो है, ये वाला जो सेट है, ये यूनिवर्सल सेट कहलाया जाएगा। किसका यूनिवर्सल सेट? केवल इन लोगों का, मतलब जो बाकी के सेट गिवन है इनका यूनिवर्सल सेट। और क्या बोल सकते हैं? ये जो बाकी के सेट होंगे ये सब क्या होंगे? सबसेट होंगे इसके। इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो सकता जो कि इसमें नहीं है यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट नाम ही क्यों दिया? कहां से आता है यूनिवर्स? यूनिवर्स मतलब हमारा यूनिवर्स, तो हम जो है इस यूनिवर्स के पार्टी हैं, तो हम सब ये वाले सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोटे 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 छोटे, पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया, एशिया, अर्थ, ये सब इस वाले सेट है ना, और ये पूरा हमारा यूनिवर्स। तो सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ पर हमने सेट बनाया, तो यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है, इसमें फोर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इसमें फोर हुए तो किसी में भी
फोर से ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। इसमें 1000 हुए तो इसमें 100,000 कितने भी हो सकते हैं, मतलब ये एलिमेंट इससे हमेशा कम या बराबर होंगे। और ये हम जब वेन डायग्राम के क्वेश्चन करेंगे वहां पर हमारे काम आएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल भी दिया है, जैसे देखो एग्जांपल देखो, यहाँ ए सेट है, बी और सी थ्री सेट गिवन है और यू नाम से एक सेट है। तो देखो ए बी सी सभी इसके सबसेट हैं। क्या ए बी सी में ऐसा कोई वैल्यू है जो यू में नहीं है? नहीं। तो हम बोल सकते हैं ए बी सी इस यूनिवर्स के हिस्सा हैं, इस यूनिवर्स का ही पार्ट है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सेट बोल दिया। बस यही सीरियस इसका कॉन्सेप्ट होता है। कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। चलो मैं यहां लिख देता हूं। इसके सबसेट लिख के बताओ, -1, 0, 1। लिखो सबसेट्स -1, 0, 1 के। ओके तो देखो ये वाले सेट्स होंगे, यहां लिखे हैं फाई, नहीं सॉरी ये नहीं, ये वाला फाई -1, 0, 1, -1, 0, 0, -1, -1, -1 और -1, 0, 1। यही है ना सब सिंपल? ठीक है। अब यहां पर एक थोड़ा सा इसके सबसेट लिख के बताओ। अच्छा सबसेट लिखने से पहले बताओ इसमें कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं? कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं? 4 या 8? कितने एलिमेंट हैं? 2 या 3? 2 एलिमेंट, बिल्कुल सही। तो यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी, एलिमेंट्स को पहचानना। ये एक सिंगल एलिमेंट है। लिख दो इसके सबसेट्स, टोटल 4 सबसेट्स आएंगे। ये आंसर आया 5, 1, एक ब्रैकेट के अंदर 2, 3 और एक में 1 और 2, 3। तो ये इंपॉर्टेंट था कि कभी भी ऐसे अंदर ब्रैकेट आ जाए तो उस पूरे को साथ में लेते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते। मोड अंदर मोड नहीं आ सकता।
अंदर नहीं आ सकता, अंदर तो एलिमेंट्स ही होंगे, क्योंकि न्यू हम ये इक्वेशन वगैरह नहीं है ना, मॉड कहाँ था इक्वेशन में, इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, एग्जाम्पल 5 क्या लिखा है, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ 5। 5 मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट के कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं, फॉर्मूले से कैलकुलेट करो कितने एलिमेंट्स होते हैं 5 में, 0 है ना, और 2^0 कितना, 1, तो सबसेट्स कितने होंगे, 1, और वो कौन होगा, अब वो खुद होगा, एम्प्टी सेट ही होगा। अभी इंटरवल्स के बारे में हम सीखेंगे, पर वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, आज टेंशन में हो गया एग्जाम के लिए, है ना, एग्जाम का टेंशन है। हाँ, इसलिए इंटरवल वो समझ में नहीं आएगा, फिर वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये बताओ, स्टेट इन ईच केस वेदर ए सबसेट और बी, और ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, फर्स्ट में क्या आएगा, क्या ए और बी, ए सबसेट है बी का, नहीं, फर्स्ट सबसेट नहीं है, सेकंड, हाँ, थर्ड नहीं, फोर्थ यस और नो, ए के, ए को जरा रोस्टर फॉर्म में लिखो, क्या मिलेगा, रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद फिर सोचा करो, और बी क्या है, तो क्या सबसेट है या नहीं, ध्यान से देखो, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, साफ साफ दिख रहा है, हमेशा ए को ही थोड़ी देखना है, बी भी तो हो सकता है छोटा भाई, तो बी में वो एलिमेंट है जो ए में है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए है कि नहीं, हाँ, तो इसको लिख सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब फोर्थ वाला है, फिफ्थ वाला है, कौन किसका है, ए सबसेट है किसका, बी का, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, और वो सब इंटीजर भी होते हैं, और इंटीजर में उसके अलावा भी नंबर आते हैं, तो ये बड़ा भाई और ये छोटा भाई, सिक्स वाला ये इंटीजर और वो रेशनल है या नहीं, है, रेशनल नंबर्स में इंटीजर आते हैं ना, +2 इंटीजर है, हाँ रेशनल है, हाँ 2.1 रेशनल है, इंटीजर नहीं है, तो ये बड़ा भाई है छोटा भाई, ए इज द सबसेट ऑफ बी, अभी हम इसको अभी ओरली कर रहे हैं, पर ये सारे मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक में चाहिए, प्रैक्टिस और नोटबुक आप बनाओगे उसमें क्या करना, कैसे लिखना है, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम जाएगा, सिंपल क्वेश्चन नंबर डालो, नंबर जरूर डालना, जिससे चेक करने में आसानी हो, और बाद में जब रिवीजन करोगे तब भी आसानी होगी आप लोगों को चेक करने में, देखने में, क्वेश्चन नंबर डालना, और उसके बाद इसके रोस्टर फॉर्म में लिखना, और रोस्टर फॉर्म लिखने के बाद बताना, डिसाइड करना कि ये सबसेट है या फिर नहीं है। सेवंथ, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पढ़ाने है ना, पर स्टार्टिंग क्लास में मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से बड़ा होता है, और उसमें रियल वाले सारे इंक्लूड होते हैं, तो ये सबसेट है, चलो उसको बाद में कर लेंगे। ए, ये एट्थ वाला, ए और बी बताओ है या नहीं, ए क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल इन अ प्लेन, और बी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, तो है कि नहीं, कौन किसका सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, गलत, बी इज अ सबसेट ऑफ ए होगा, इक्विलेटरल मतलब कितनी साइड्स इक्वल, तीनों इक्वल होनी चाहिए, आइसोसेलेस मतलब दो इक्वल, क्या तीन साइड में भी हम बोल सकते हैं दो तो इक्वल है ना, तो इक्विलेटरल को भी आइसोसेलेस बोला जा सकता है, पर स्पेशल केस हो गया कि तीनों भी, तीसरी भी इक्वल हो गई तो इक्विलेटरल हो गया, मतलब इक्विलेटरल में आइसोसेलेस छुपा हुआ है,
पर आइसोसेलेस में इक्विलेटरल नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये भी है। नाइन्थ, स्क्वायर और रेक्टेंगल। हाँ सबसेट है, क्या स्क्वायर को रेक्टेंगल बोला जा सकता है? हाँ, क्या रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं? नहीं, स्क्वायर स्पेशल केस होता है रेक्टेंगल का, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। टेंथ, ट्राइंगल रेक्टेंगल, इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। नाइन्थ, तो सबसेट है या नहीं है? रोस्टर फॉर्म में लिखो फिर डिसाइड करो। रोस्टर फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म क्या होगा इसका? एक्स इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, मतलब 2, 4 और 6। ये बी क्या होगा? नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 32। कौन कौन डिवाइड करता है नेचुरल नंबर? 1 लाइन से चलो, 1, 2, 4 और 8, 16, 32। क्या सबसेट है? नहीं। 6 को देखो ध्यान से, क्या 6 यहां पर दिख रहा है कहीं? ऐसा नहीं बोलो 6 यहां दिख तो रहा है, ऐसा नहीं करना, वो 16 है, तो ये सबसेट नहीं है। बिल्कुल सही। टेंथ, ये हमें ये बोला है x इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन अ प्लेन और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। सो आइसोसेलेस में कितनी साइड इक्वल होती हैं? 2 साइड, बिल्कुल सही। और इक्विलेटरल में कितनी इक्वल होती हैं? 3। तीनों इक्वल होती हैं, तो हम इक्विलेटरल को क्या आइसोसेलेस नाम बोल सकते हैं? तो इक्वल है ना, तो मतलब इक्विलेटरल में आइसोसेलेस छुपा हुआ है, या बोलो इसका जो स्पेशल केस है वो इक्विलेटरल है। जैसे कि रेक्टेंगल का स्पेशल केस क्या होता है? स्क्वायर। तो बोल सकते हैं ईच एंड एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो स्क्वायर इज द सबसेट ऑफ रेक्टेंगल। तो सिमिलरली ईच एंड एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, बट ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल इज नॉट आर नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बोल सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है सबसेट होंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल का, क्योंकि जो स्पेशल केस होता है वही छोटा हुआ ना, तो इसलिए हमने बोल दिया बी इज ए इज द सबसेट, नहीं सॉरी बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में आइसोसेलेस है लेकिन आइसोसेलेस में इक्विलेटरल नहीं है। क्लियर? ठीक है, आज इतना ही करते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरवल्स वगैरह करेंगे, तो उससे पहले ये यहां तक आप अच्छे से सॉल्व करके लाओ। 1A सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है? आर एस अग्रवाल का 1A एक्सरसाइज, 1B एक्सरसाइज और 1C में यहां तक किया है, ये वाला और इसके बाद वाला वो बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। इतना करके आओ, फिर हम इंटरवल्स वाले करेंगे।